दोस्तों कुछ दिनों से देखा गया है कि नए लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों को ज़्यादा कुछ मार्केट के बारे में पता होता नहीं है और इधर उधर से पूछ कर ये इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। और दोस्तों कहा भी जाता है कि शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले अगर आप नए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और अगर कोई आपको शेयर बताता है तो आपको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। मेरा नाम है सुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम किसी से पूछते हैं कि भाई कौन सा शेयर चल रहा है, कौन सा शेयर बढ़ सकता है, कौन से शेयर में कमी आ सकती है, सब हम पूछते हैं। ये आम बात है, ये पूछना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों जब कोई हमें शेयर बताता है तो उसको वेरीफाई जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसमें आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, जिसमें पहला चीज़ है आपको कंपनी की सर्विसेज कंपनी क्या देती है, मतलब कंपनी करती क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं IRCTC का शेयर लेता हूँ, तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे IRCTC की तो आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि भाई रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन। तो मार्केट में आप अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करना है तो आपको IRCTC का यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं तो कितनी उनकी डिमांड है, कितना वो मार्केट में चलते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो जो कंपनी है मार्केट में जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसी कंपनी के शेयर हम शेयर मार्केट से खरीदते हैं। तो दोस्तों हमें देख लेना है पहले कि ये कंपनी करती क्या है मार्केट में, इसकी कितनी डिमांड है, कितनी वैल्यू है इसकी, वो सब चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो है फाइनेंशियल। मैं जानता हूँ कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल बहुत आसान हो गया है। आप गूगल पे डालिए, आपको सारे फाइनेंशियल मिल जाएंगे और पिछले 3 साल के कम से कम आपको फाइनेंशियल चेक करने हैं। फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रॉफिट्स चेक करना, कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर कंपनी लॉस में है तो क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, रेवेन्यू या जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कंपनी में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं। और दोस्तों अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट फ्लैट है, एक जैसा बना हुआ है, या फिर इसमें ग्रोथ हो रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर प्रॉफिट ग्रोथ में है, यानी कि कम है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके से अगर प्रॉफिट जा रहा है तो मुझे लगता है वो कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो ग्रो कर रही होती है कि भाई धीरे धीरे उसमें साल दर साल उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही होती है। जो फ्लैट है उस कंपनी के शेयर में मुझे लगता है ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद फिर आता है आपको फंडामेंटली देखना पड़ता है कि फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं कंपनी के, क्योंकि भले ही कंपनी फ्लैट हो उसका प्रॉफिट, लेकिन फ्यूचर में कंपनी के प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी को क्या ऑर्डर्स मिले हैं, वो सब देखना जरूरी है। अगर आप वो देखते हो तो हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट अभी फ्लैट हो, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे हों और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला हो, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो फाइनेंशियल में कम से कम प्रॉफिट आपको जरूर देख लेना है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है डिविडेंड। देखिए डिविडेंड आपको अगर आप थोड़े से शेयर खरीदोगे तो आपको कम लगेगा। देखिए डिविडेंड सबसे पहले बता दूं कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है किसी क्वार्टर में या किसी ईयर में, तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कुछ अमाउंट देती है पर शेयर के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड ईल्ड होता है, तो डिविडेंड ईल्ड वो होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का डिविडेंड ईल्ड 6% है, तो उसका मतलब है कि 1,00,000 रुपए पर वो कंपनी 1 साल में आपको 6,000 रुपए का डिविडेंड देती है, यानी कि 6,000 रुपए आपको फ्री में मिल जाएंगे। कंपनी का शेयर वहीं का वहीं रहेगा तो भी आपको 6,000 रुपए मिल जाएंगे, तो वो होता है डिविडेंड। तो जब आप बल्क में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 15-20% भी होता है। इसका मतलब है अगर आप उस कंपनी के शेयर में अगर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो साल में आपको 20% अगर डिविडेंड यील्ड है तो 20,000 रुपए ऐसे ही मिल जाएगा, और जो शेयर बढ़ेगा या फिर जो भी होगा उसमें वो अलग बात है, लेकिन डिविडेंड से आपको जो पैसा मिल जाएगा वो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। तो डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी डिविडेंड देती रहती है तो आपको बीच बीच में वो भी मुनाफा यहाँ पर होता रहता है, तो ये डिविडेंड बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि कंपनी की साइज़ क्या है। साइज़ इन द सेंस कि जैसे आप रिलायंस की बात करें तो आपके मन में 1,000,00,000 करोड़ की वैल्यूएशन आती है, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी की अगर बात करें तो निश्चित रूप से आपको उसको देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वो छोटी कंपनीज होती हैं और उनके फेल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और जितनी आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना
उतना ज़्यादा आपका पैसा सेफ रहता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी बड़ी बन चुकी है, उसको केवल रन करना है। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो एकदम स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, कुछ ही करोड़ की होती हैं या 500,000 करोड़ की होती हैं, उनके ऊपर लोड ये भी होता है कि चलाना भी है, उसके ऊपर ग्रो भी करना है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लार्ज कैप कंपनी जो होती है उसमें थोड़ा सा सेफ्टी होती है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जब आप किसी शेयर को खरीदते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी में, किस शेयर में किसकी किसकी हिस्सेदारी है। दोस्तों प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर ज़्यादा होती है तो वो सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर सेफ है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर अच्छी तरीके से काम करेगा, उसको ग्रो करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना, प्रमोटर शेयर सब कुछ अच्छा दिखाएंगे लेकिन धीरे धीरे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम करता जाता है। मतलब उसमें पहले 30% हो जाएगी, 2% हो जाएगी, इससे प्रमोटर निकलता जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्रोथ हो नहीं पाएगी। तो आपको क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना म्यूचुअल फंड ने लगाया, कितना FIIs ने लगाया, कितना DIIs ने लगाया, वो सब देखना आपको ज़रूरी है। और प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं 80-85 भी नहीं बोल रहा, 50% एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन में करना। और दोस्तों फिर आता है एक रेशियोज, कुछ शेयर मार्केट रेशियोज़ होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं, जैसे कि PE रेशियोज़ होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, और उसके बाद ROCE होता है, ऐसे बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं जो आपको चेक करने हैं। कुछ ही रेशियो, जैसे PE रेशियो की अगर बात करें तो PE रेशियो आपको चेक तब करना है, जैसे आप किसी सेक्टर की कंपनी खरीद रहे थे। सबसे पहले बता दूं कि भाई PE रेशियो जितना कम होगा ना आपकी कंपनी का, उतना ज़्यादा शेयर सस्ता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर PE रेशियो कम है तो शेयर आपको झपट लेना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि PE रेशियो को भी कंपेयर किया जाता है। देखिए किसी सेक्टर, मान लो आपने FMCG सेक्टर उठाया, तो FMCG सेक्टर की किसी कंपनी का PE रेशियो देखा, और FMCG कंपनी के किसी सेक्टर की ही किसी दूसरी कंपनी का PE रेशियो, उसको कंपेयर आप करोगे, उसको आपको कंपेयर करना है। तो जिसका PE रेशियो आपका कम है उसका शेयर थोड़ा सा सस्ता माना जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का PE रेशियो देखते हैं तो उससे आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो PE रेशियो को हमेशा कंपेयर किया जाता है, और ROCE होते हैं या अर्निंग पर शेयर, जैसे कि समझ में आ रहा है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है, वो जितना ज़्यादा होता है वो अच्छा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक करोगे ना, तो सबसे फाइनल चीज़ आती है आपको चार्ट देखना। दोस्तों चार्ट से हमें क्या पता चलता है कि एंट्री हमें कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में भी आप शेयर में हायर प्राइस पर लगा लेंगे ना, तो आप हो सकता है कि एक आध साल तक उसमें फंसे रहें, एक आध साल तक आपका शेयर लॉस में ही चला रहे। तो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाना पड़ता है, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब आपको देखना आना चाहिए। सबसे पहले चार्ट देखने के लिए आपको, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर एक मंथ का चार्ट देख सकते हैं, 6 मंथ का चार्ट देख सकते हैं, इस तरीके से आप चार्ट देखें, मतलब लंबी अवधि का चार्ट देखें। उसके बाद उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें कि कहीं जो हमारा शेयर है वो रेजिस्टेंस के आसपास तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास है तो ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही मैं ये शेयर खरीदूंगा, या फिर सपोर्ट के आसपास है तो इसका मतलब ये है कि देखूंगा मैं, ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है कि इसका ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है, अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर मैं इस शेयर से दूर रहूंगा। इस तरीके की चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। और देखिए सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा, और ये बहुत टफ चीज नहीं है दोस्त। आज क्या है कि आप इंटरनेट खोलोगे, चीज़ें आप डालोगे ना, तुरंत आपको डेफिनेशन मिल जाती है और आप 2 मिनट में समझ जाते हो, और समय समय पर मैं भी वीडियोस बना के बताता ही रहता हूँ आपको। तो ये बहुत ही टफ चीज़ नहीं है, ये आपको सीखना ज़रूरी है ही अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। आप बस ये करना चाहते हैं किसी ने शेयर को बताया और आपने खरीदा और बस आप बैठ गए, आपको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कुछ, तो भाई शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो ही मत। आप म्यूचुअल फंड या FD बनवा लो, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, लॉन्ग रन आपको करना है, ज़्यादा पैसा आपको कमाना है, ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो आपको खुद से फंडामेंटल थोड़ा बहुत जो मेन चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया, और जो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखना वो ज़रूर आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल में सब मिलता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो आप चार्ट पैटर्न जो चार्ट है वो आपको एंट्री और एग्जिट में सहायता करता है, बाकी जो चीज़ें हैं एक हल्का फुल्का अंदाज़ा आपको दे देती हैं, और फाइनली फिर आपको मार्केट में उसकी चीज़ें देखना है, मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू। जैसे मैं आपके सामने रिलायंस का नाम लेता हूँ, तो आपका रिलायंस के हाँ भाई पॉजिटिव है, आप इसमें शेयर में पैसे लगा दो आपका मुनाफा हो ही जाएगा। टाटा मैं बोलूँ तो टाटा भी अच्छा है क्योंकि सुना हुआ है। उसी तरीके से उस ब्रांड की कीमत क्या है मार्केट में जो आप खरीद रहे हो, उसका आपको गूगल पे रिव्यूज़ वगैरह आपको देख लेना है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि भाई इस शेयर में क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट किसी के बताने से ये शेयर खरीद लो, खरीद लिया आपको नीचे चला गया, लॉस में बैठे हैं, कितना लॉस हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, सब चीज़ें आपको नहीं करना है। ये सब हरकतें केवल और केवल मार्केट से बाहर होने की है। अगर आप बाहर होना चाहते हैं तो ही हरकतें करें, बाकी आप संभल के जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो देख के और भी कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, तो उससे भी एनालिसिस 100-200 तरीके की एनालिसिस होती है। बट मैंने आपको जो नए लोग हैं चुनिंदा चीज़ें हैं वही आपके साथ शेयर की हैं, और वो आपको ज़रूर देखना है, वो बिना देखे आपको शेयर को नहीं खरीदना है। तो ये मेरा ओपिनियन था इस टॉपिक पर। और भी टॉपिक अगर कोई मन में है आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, उस पर भी पूरा वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।